यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे एमए इको 2023 की प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो गाइज आपकी 2023 एंट्रेंस रिलेटेड है गाइज। एंड बेसिकली गाइज, ये वीडियो आपके पोर्टल पर अपलोडेड है, तो इट इज दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो सेमिकॉन्स के एक रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, राइट गाइज? सो गाइज, अभी एज यू नो आपके 2023 के जो एग्जाम्स हैं, अगर आपको गाइज पता हो, मैं आपको जस्ट एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। गाइज, आपका फर्स्ट एग्जाम आईआईटी का होगा, एक आईआईटी जैम, राइट? आईआईटी जैम गाइज पहला एग्जाम आपको होगा। एंड ऐसा अगर आप 2022 का भी देखो, तो ये गाइज एग्जाम आपका मिड ऑफ फरवरी में हो गया, ठीक है? फरवरी में ये एग्जाम हो चुका है, फिर मार्च में गेट का था, ठीक है? सो बेसिकली गाइज, आपके फरवरी स्टार्टिंग वीक एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में आपके मल्टीपल एग्जाम्स हैं, जो गाइज हमने हमने लिस्ट बनाई थी। गाइज कुछ एग्जाम मार्च में होंगे, जैसे अजीम प्रेम जी वगैरह, ठीक है? मान लो एग्जाम्पल अजीम प्रेम जी, ये एग्जाम गाइज आपका मार्च में होगा, ठीक है? उसके बाद गए आपका अप्रैल, अप्रैल में गए काफी सारी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस ले लेंगी, जैसे आईजीआईडीआर यूनिवर्सिटी, राइट गए? एंड आफ्टर दैट अशोका यूनिवर्सिटी और मल्टीपल यूनिवर्सिटी थे, ठीक है? फिर गए आपका मई में आपका आईएसआई, जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेंगे आप लोगों का। एंड देन आफ्टर दैट गाइज, वो मंथ जिसका आपको इंतजार है जून, जून के अंदर डीएससी का एग्जाम होगा, राइट? एंड ये मान के चलो जून और जुलाई फर्स्ट वीक आपके सारे एग्जाम्स एमए को के खत्म हो जाएंगे। सो द डिस्कशन इज दैट के आपको इस अपने 2023 की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है गाइस, ये डिस्कशन हमारे पास है अभी। तो मैं गाइस आपको बता देता हूँ कि 2023 की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको क्या क्या चीजों को ध्यान देना है। मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स ने 1.5 ईयर बैच ज्वाइन किया है, ठीक है? 1.5 ईयर बैच ज्वाइनिंग से जिन लोगों की, यानी जिन लोगों ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनमें ज्वाइन ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि वो ये मान के चले, जैसे किसी ने आगे पीछे कभी भी कराओ, बट आप जनवरी मान के चलो, जनवरी 2022 टिल जून 2022, नो गाइस है 2000, हाँ टू, हाँ 22 एंड 22 या गए श्योर, क्योंकि 23 में तो एंट्रेंस है आप लोगों का। तो जनवरी 2022 में से जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो टिल जून तक, 2022 तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है? आप कह सकते हो 6 मंथ हैं। इन 6 मंथ्स में अपने कुछ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से एज एन योर मेंटोर, आपको टिल जून तक क्या क्या टॉपिक्स पे कमांड करनी है। अगर आपने नहीं करी है तो उन कमांड्स को जल्द जल्द से जल्द करिए, ठीक है? मैं एक एक करके अगर बता देता हूँ आपको। गाइस अभी दो सब्जेक्ट संभाल लें, ठीक है? टू सब्जेक्ट्स, यू हैव टू बेसिकली फोकस्ड ऑन टू सब्जेक्ट्स। वन फर्स्ट सब्जेक्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैथमेटिक्स। अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को ये दो सब्जेक्ट पे कमांड करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। यानी टिल जून जस्ट आई एम ट्राइंग कि भाई आपको इसके पास्ट ईयर से मॉक टेस्ट बिल्कुल वन टेक में क्लियर हो। अब जो गाइस एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? वन बाय वन, मैं मैथ्स को बाद में लिखूंगा, पहले माइक्रो का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। माइक्रो में आपको क्या क्या चीजें कंफर्म कर लेनी है। अगर मैं बात करूँ सेमिकॉन्स के पोर्टल की, इफ यू टॉक अबाउट बेसिकली आवर पोर्टल, तो गाइस पोर्टल पे अगर आप जाओगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल फोल्डर मिलेगा, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट के नाम से आपके पोर्टल पर। तो जब आप जाओगे तो आपको वहां पे वीडियोस का फोल्डर मिलेगा, या वीडियोस के फोल्डर पर जाओगे तो आपको वहां पे लेवल्स दिखेंगे, तो लेवल वन। जब आप लेवल वन पर जाओगे तो आपको वहां पे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट दो दिखेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, मेरे लिए कॉन्सेप्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मेरे लिए इन वट सेंस, मेरा मेनली इंटरेस्ट न्यूमेरिकल्स में है। अगर आप अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, सो नो नीड टू स्टडी कॉन्सेप्ट्स, राइट?
राइट गाइस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी आपको समझ में आ सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो। लेकिन इन केस अगर आपके न्यूमेरिकल्स वीक है, इट मींस आपको कंसेप्ट वीक है, देन यू हैव टू स्टडी कंसेप्ट फर्स्ट। इफ यू आर बेसिकली टॉपिक्स आर वीक्स, ठीक है, अगर आपको लगता है आपको टॉपिक वीक्स है, ठीक है, प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको, तो फिर आप कंसेप्ट्स की तरफ जाओ। बट न्यूमेरिकल्स आपको पहले क्लियर होना चाहिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स वहां पर, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे है लेवल 3। आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि आप लेवल 3 को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। अब इसके पीछे के लॉजिक्स हैं। आई नो दैट कि लेवल 3 इज अ वेरी 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 एडवांस एंड वेरी टफ टॉपिक, ठीक है। जब आप लेवल 3 का कंज्यूमर थ्योरी पढ़ोगे, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ोगे, जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे एंड मार्केट्स पढ़ोगे, मार्केट में भी मोनोपोली पढ़ोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ है। सो मेरे हिसाब से अगर आप इसका 50% भी कमांड कर लेते हैं, अगर आप इसका 50% भी कमांड कर लेते हैं, तो गाइस आप बिल्कुल सेफ साइड प्ले कर रहे हो, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको स्ट्रांग करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल, दैट इज आप पोर्टल पे जब जाओगे तो आपको वहां पे मॉक टेस्ट दिखेंगे, ठीक है। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पे, आप प्लीज गाइस मॉक टेस्ट की तरफ जाओ, ठीक है। हाँ, कुछ मॉक टेस्ट ऐसे हो सकते हैं बाय मिस्टेक कि उनमें मैथ, स्टैट, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी हो, लेकिन गाइस वो कुछ ही हो सकते हैं, जस्ट आई विल ट्राई कि वो ना आए गलती से भी, बट इनकेस मिलते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन माइक्रो क्वेश्चंस ओनली, नो नीड टू स्टडी और नो नीड टू अटेम्प्ट एनी अदर क्वेश्चंस। ना तो क्वेश्चन अराइव दैट के सर हमें तो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो हमें तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ये पता करना है कि हमारा स्कोर कितना है। नहीं गाइस, स्कोर पता नहीं करना है आपको अपना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। डोंट वरी अबाउट दैट, जो मॉक टेस्ट है उनका दोबारा से टर्न आएगा, इनका मॉक टेस्ट का दोबारा से टर्न आएगा आफ्टर योर सेमेस्टर 5 एग्जाम्स, राइट। यानी कह सकते हो जो नवंबर के एग्जाम्स खत्म होंगे तब आपके पास मॉक टेस्ट का दोबारा से टर्न आएगा, बट बिफोर दैट आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट से आप इतने पे अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट को आप जरूर जरूर अटैम्प्ट करो, ठीक है, ये आपसे जरूर होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट गाइस अगर आप पोर्टल पे देखोगे तो गाइस वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स दिखेंगे, एंड ऑल्सो नो नीड टू स्टडी पास्ट ईयर्स। ओके गाइस, पास्ट ईयर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पास्ट ईयर्स अभी जरूरत नहीं है, बट बाद में हम करेंगे, अभी आपसे पढ़ते रहना। असाइनमेंट्स की तरफ जाओगे तो गाइस आपको असाइनमेंट में कुछ चीजें मिलेंगी, तो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर मोर ऑन टॉपिक्स सो जस्ट अटेम्प्ट दीज असाइनमेंट्स, बट इन पे ज्यादा सेंटी मत होना कि सर ये क्वेश्चन कैसे हैं, कि हमें मतलब कंफर्ट जोन से बाहर है। नो गाइस, गाइस ये असाइनमेंट्स हैं, जस्ट आप इन्हें अटेम्प्ट करिए, समझिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, बट हमारा मेन जो इंटरेस्ट है वो इन दोनों चीजों में, योर वीडियोस एंड दी मॉक टेस्ट, राइट गाइस। सो दिस इज द होमवर्क फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यू कैन से दैट द प्रिपरेशन डिस्कशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ अगर हम लोग मैथमेटिक्स पर आते हैं, उससे पहले माइक्रो में, अभी मैथ्स पढ़ने से पहले, ये तुम्हारा पोर्टल की चीज थी। नाउ अब गाइस एक आ जाता है सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है। उसमें गाइस मैं आपको बुक रेफर कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया होगा आपको, स्नाइडर एंड निकोलसन, स्नाइडर एंड निकोलसन, राइट गाइस। तो गाइस स्नाइडर एंड निकोलसन में आपको जस्ट चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पढ़ना है। दिस इज द चैप्टर जो आपको कॉमन मैथमेटिक्स यूज इन इको एक्सप्लेन करेगा, मतलब आपको कितना मैथ पढ़ना है इकोनॉमिक्स में वो आपको बताएगा, एंड ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स, राइट, कितना स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है ये भी आपको बताएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको प्लीज आप एक बार कमांड जरूर करिएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली गाइस चैप्टर नंबर 3, 4, 5 and 6, दिस इज द चैप्टर्स ऑफ कंज्यूमर्स थ्योरी,
एंड स्नाइडर निकोलसन इज द ओनली वन बुक दैट ओनली बुक विच यू हैव टू रीड, राइट? ठीक है, तो आपको रीड करनी है, यू हैव टू रीड, आपको करनी चाहिए इस बुक को, ठीक है? बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, आपको काफी कुछ सिखा के जाएगी ये बुक। एंड नो डाउट गाइस, इसके पास्ट, इसके बैक क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भी बताऊंगा बैक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? तो गाइस कंज्यूमर थ्योरी में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप कह सकते हो जहां आपने हॉलर वेरियन में यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट सीखा था, वहीं गाइस स्नाइडर निकोलसन में आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट सीख रहे हो, ठीक है? एज वेल एज आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे इफेक्ट सीख रहे हो, देखिए देखो जैसे एग्जाम्पल हिक्स इफेक्ट, सेलेस्टी इफेक्ट, ठीक है? काफी कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ नया है। उसके बाद में गाइस चैप्टर नंबर 9, 10, 11 गाइस ये आपको पढ़ना है फॉर प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है? प्रोडक्शन थ्योरी के लिए गाइस आपको स्टडी करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 गाइस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आई थिंक चैप्टर 12, 13, 14 चैप्टर 14 इज ऑफ आई थिंक मोनोपोली, ठीक है? इनमें से एक चैप्टर ओलिगोपोली का है, ठीक है? क्योंकि एडिशन चेंज होते हैं, एडिशन अगर आप देखोगे तो उन्होंने आगे पीछे कर रखा है काफी एडिशन में, एक ओलिगोपोली का है, एक मोनोपोली का है, ठीक है? एक ओलिगोपोली का है, एक मोनोपोली का है, राइट? सो आप गाइस इनमें सारा करना है, बस एक्सेप्ट जर्नल इक्विलिब्रियम ये नहीं करना आपको, ठीक है? इसको छोड़ देना, उसके अलावा एक गाइस सारा का सारा आपको स्टडी करना है। एंड आल्सो वन थिंग आल्सो गाइस, यू हैव टू स्टडी और यू हैव टू रीड अटेम्प्ट द बैक क्वेश्चन गाइस। अगर आपने इनके बैक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो अभी मान के चलो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है फिर, ठीक है गाइस? देखो काफी कुछ ऐसा है जो आप यहाँ से वीडियोस में से सीखोगे, लेकिन गाइस काफी कुछ और भी ऐसा जो गाइस आप इन बुक्स में से सीखोगे और बैक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सीखोगे। अब गाइस बात आती है कि सर इनके बैक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मुझे व्हाट्सएप करो, इससे ही प्रूफ भी होगा कि आपने वीडियो को देखा है, आखिर तक देखा है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं इसके बैक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज व्हाट्सएप करो, आप सब रेगुलर स्टूडेंट हो, आपके पास ये नंबर मेरा होगा, एक्चुअली पर्सनल नंबर है लेकिन ये मॉर्निंग टू इवनिंग तक स्टाफ के पास रहता है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आप व्हाट्सएप करते हो, ठीक है, या कॉल करते हो, रिसीव नहीं हो तो पाता होगा, ये व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं हो पाता होगा। रीजन बिहाइंड कि भाई मोस्टली हम लोग क्लासेस में होते हैं, ये स्टाफ के पास फोन होते हैं, वो मैसेजेस को देखते हैं नोटिफिकेशंस में, एंड देन वो क्वेरी के बेसिस पे लिख लेते हैं कि इस स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है, ठीक है? कॉल्स आते हैं तो नंबर लिख लेते हैं, फिर हमारे एक या दो दिन में मिनिमम 48 hours या 24 to 48 hours लगते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट हमारा उनसे मीट होता है तो फिर वो हमें बताते हैं सर ये लिस्ट है स्टूडेंट्स की, इनसे आपको बात करनी, देन हम फिर उनका रिप्लाई करते हैं, ठीक है? सो कभी अगर आपने मैसेज करा और आपको रिप्लाई नहीं आया तो परेशान मत होना, ठीक है? 24 घंटे या 48 घंटे के बीच में आपको रिप्लाई आ जाएगा। इनके अगर आया नहीं तो ये हो सकता है कि लिस्ट बहुत लंबी रही होगी, तो जो हमारा टाइम होता है रिप्लाई करने का वो शायद पूरा हो गया था और स्टूडेंट की लिस्ट बहुत लंबी, तो देन अगले हम सेशन का वेट करते हैं। इन केस अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो डायरेक्ट बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको कॉल करनी है, कॉल अगर मिस कॉल भी होती है तो आपको कॉल पे पक्का आएगा, ठीक है? व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं होता, ठीक है, कभी कभी, लेकिन आपको कॉल पक्का आएगा, ठीक है? तो एक दो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं कि सर मैंने मतलब कॉल किया था रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप किया था रिप्लाई नहीं आया, तो गाइस डोंट वरी अबाउट दैट, आप प्लीज रिमाइंडर दे दो, आप प्लीज एक दो बार कॉल्स और कर दो, आप प्लीज एक दो बार मैसेजेस और कर दो, इससे आपकी शान में कमी नहीं आएगी, ठीक है? हम आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं रखेंगे, आप हमेशा रिस्पेक्टफुल रहोगे, ऊपर ही रहोगे, ठीक है? सो गाइस आप एक से ज्यादा बार कॉल मैसेज कर सकते हो इंपॉर्टेंट अगर काम हो, ठीक है गाइस? तो दिस इज द डिस्कशन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ मैथमेटिक्स, मैथ्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, पहले मैं पोर्टल पर आता हूँ। मैथ्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इस पे
कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकते। क्या ध्यान रखना, आपको लैब में जस्ट बता देता हूँ, जब आप पोर्टल पर जाओगे तो आपको मैथ्स का फोल्डर दिखेगा, उसमें वीडियोस का फोल्डर दिखेगा, फिर उसके अंदर आपको लेवल वन और लेवल थ्री दिखेगा। आपको पहले लेवल वन करना है, ठीक है। लेवल वन के अंदर ऑलमोस्ट 90 वीडियोस हैं, फिर लेवल थ्री करना है, इसके अंदर आई थिंक 30-40 वीडियोस हैं, ठीक है, जो भी अराउंड वीडियोस हैं ये। तो आपको पहले लेवल वन कंप्लीट करना है, उसके बाद में लेवल थ्री करना है, राइट गाइज। एंड आफ्टर दैट गाइज, आप इसके नोट्स के फोल्डर पर जाना, नोट्स के फोल्डर पर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, वहां पर गाइस आपको लेवल टू पर क्लिक करना है, ठीक है, लेवल टू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेवल टू। वैसे तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ आपको स्पेसिफिकली स्टडी करना है, लेवल टू पर क्लिक करना है। वहां पे आप गाइस अराउंड 79 फाइल्स दिखेंगी, राइट गाइस। इट्स ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि प्लीज आप इन फाइल को, मैं आपको बता दूं ये है क्या, ये एक्चुअली हमारी क्लासेस है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते क्लास 79 तक है, ठीक है, क्लास 79। सो ये गाइस क्लासेस है, आप वन बाय वन क्लास को देखते जाओ, ठीक है, मतलब फाइल ओपन करो, इसको देखो, आपको जस्ट एक दो फाइल पढ़ने के बाद में लगेगा कि हाँ यार ये नोट भी करना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना, इनकी हार्ड कॉपी से बेटर है कि आप इसका नोट्स खुद ही बनाओ, ऐड कर, अगर आप इनके नोट्स खुद ही बनाओगे या अगर आप रीड भी करोगे तो कहते आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम देता हूँ, ठीक है, रीजन बिहाइंड। इसके अंदर कहते आपके पास्ट ईयर्स भी कवर होंगे, आईएससी, डीएससी, जेएनयू, ठीक है, इनके पास्ट ईयर्स भी कवर होंगे, प्लस वो सारी चीजें कवर होंगी जो आपके माइंड में घूम रही हैं। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने लेवल टू की क्लास 1 टू क्लास 79 तक के पीडीएफ को स्टडी कर लिया, सो गाइस आपकी 100% मैथमेटिक्स फॉर एंट्रेंस क्लियर हो जाएगी। यानी ये कंफर्म होगा कि अगर आपका डीएससी का पेपर है तो, और अगर डीएससी मान लो मैथमेटिक्स की क्वालिफाइंग मार्क्स है, देखो क्लियर सी बात है, मान लो अगर डीएससी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 5 क्वेश्चन क्वालिफाई है, भाई ध्यान रखना 10 में से कम 7-8 क्वेश्चन आपको इन क्लासेस में मिल जाएंगे, यानी क्वालिफाई तो क्लास कर देंगे ना, आपको क्वालिफाई तो कह दिए, नोट्स आपके कर देंगे। तो इसी चीज़ को मेरा आपसे हाईली रिकमेंडेशन है इस चीज़, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज इसको एक बार जरूर जरूर करिएगा। एंड आफ्टर दैट गाइज, जब आप पोर्टल पर जाओगे, इसी पोर्टल पर नोट्स में बस इतना देखना है, फिर गाइज आपको मॉक टेस्ट दिखेंगे, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिखेंगे, मॉक टेस्ट, और अगर मैं मॉक टेस्ट की क्वांटिटी बताऊँ कितने हैं तो 100+ मॉक टेस्ट है। मेरा पर्सनल सजेशन है प्लीज अटेम्प्ट दीज मॉक टेस्ट एंड डोंट वरी अबाउट दैट कि सर अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, हम दोबारा नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे सकते हो आप दोबारा, ठीक है, तो आप इन मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिए। ध्यान रखना ये टिल जून तक का होमवर्क है, टिल जून तक का, आपको जून तक सब कुछ होना चाहिए, आपसे आपको करना कर देना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में गए थोड़ा सा और आ जाते हैं बुक्स पर, तो आपको यहाँ पे बुक्स एक ही बुक लेनी है, दैट इज अल्फा चियांग, और मेरा हाईली सजेशन है आपको चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 13 तक गए आपको स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये सारा पढ़ लिया है ना, ठीक है, तो गाइस यही आपको 2-2.5 महीने में खत्म होगा अगर सीरियस मोड पे चलोगे, ठीक है, सीरियस मोड पे चलोगे तो 2-2.5 महीने लगेंगे इसको करने में, और गाइस अगर आप इस पे चलोगे तो ये आपका मैक्सिमम 10-15 दिन ले जाएगा, ठीक है। सो टोटल 2.5-3 महीने में आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, और 2-2.5 महीने में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, यानी ये हमारे हिसाब से चीजें हैं, ठीक है गाइस। सो मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट आपको होने चाहिए, एक माइक्रो, एक मैथ्स, ठीक है, ये 2 चीजें कर लेना। नाउ गाइस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो गाइस जो 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैं आप ही के पोर्टल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप जरूर इनको देख रहे होंगे। तो वीडियो देखने के बाद गाइस आप प्लीज मुझे एक मैसेज जरूर करिएगा,
यस का कर देगा, लिख देना वॉच द वीडियो, ठीक है, ये लिख देना वॉच्ड, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपने वीडियो देख ली है, ठीक है, मुझे भी लगेगा हाँ ठीक है। वीडियो देखने का मतलब है कि मेरा मेरा जो आपसे सजेशन था या जो मेरा मैसेज था आप तक जा चुका है। जिस स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास नहीं आएगा तो मैं मान के चलूंगा कि उस स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, एंड देन फिर मेरे पास एक ऑप्शन होगा ये कहने के लिए कि भाई आप पोर्टल पे अपडेटेड ही नहीं थे, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको पर्सनली मैसेज करवा के वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट गाइस। दूसरी चीज, इन केस अगर आपको बात करनी है गाइस, आप डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है गाइस। आप में से कुछ बच्चे कॉल्स नहीं करते हैं, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे कॉल नहीं करते, कुछ बच्चे हर दूसरे दिन कॉल करते हैं। सो गाइस आपको खुद आगे बढ़ के डिस्कशंस करने, हम लोग अवेलेबल है आपकी मेंटरशिप करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। हमारा वेट मत करो, आप खुद ही आगे के बढ़ के डिस्कशन करो, ठीक है। एक दो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम आपको वेट कर रहे होते हैं, नहीं गाइड, क्योंकि हम जब आपको कॉल्स करते, क्योंकि हमारी टीम आपको कॉल करती है, आप अवेलेबल नहीं होते हो, कभी क्लास में होते हो, क्योंकि हमें पता नहीं कि आप कब अवेलेबल हो, ठीक है। आपको मैसेज किया जाता है स्टडी अपडेट, काफी सारे स्टूडेंट रिप्लाई भी नहीं करते हैं, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सो सजेशन बस इतना सा रहेगा कि आप प्लीज खुद कॉल करो, टाइम बुक करो, अगर कॉल जैसे कराओ और रिसीव नहीं हो पाया तो व्हाट्सएप करके स्लॉट बुक कर लो कि सर मुझे इतने बजे आपसे बात करनी है और इम्पोर्टेंट बात करनी है, देन फिर हम आपसे स्लॉट बुक करेंगे, ठीक है गाइज। लेकिन गाइज चीज को बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है, आप इग्नोर करोगे चीज़ों को तो काफी कुछ इग्नोर हो जाएगा, राइट गाइज। सो गाइज अब आप को जैसे होमवर्क पता लग गया तो गाइज आप प्लीज अपने होमवर्क पे रेगुलर हो जाओ, और प्लीज 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 मुझे वीकली अपडेट दो, ठीक है, मुझे वीकली अपडेट दो, हाँ सर हम लोग कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है गाइज, ओके।